बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आई एम तैमूर परदेसी, तैमूर अकेडमी डॉट कॉम की तरफ से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही आसान स्किल शेयर करने जा रहा हूँ, जिसको इस्तेमाल करके आप लोग फाइवर, अपवर्क, किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू अर्निंग ऑनलाइन कर सकते हैं। शर्त मेरी यही एक होती है कि अगर आप लोग काम करेंगे तो खाली बातें या देखना तो फिर ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते आप। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब किया बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं शॉर्ट स्किल्स की। आप लोगों को पता है कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की जिसमें आप लोगों को शॉर्ट स्किल्स बताता हूँ जिनको सीखने के लिए आपको एक घंटा, दो घंटे लगते हैं और उसके बाद आप लोग अच्छी अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं, उस सूरत में जब आप लोग काम करेंगे या करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आज की वीडियो में आप लोगों को स्किल सिखाने जा रहा हूँ, इसको आप लोग इमेज ट्रेसिंग, इमेज टू विक्टर, उसके बाद लोगो टू विक्टर, ये इसको आप ये कह सकते हैं इमेज ट्रेसिंग या लोगो टू विक्टर। तो आप लोगों को पता है दो तरह की फाइल होते हैं, एक रास्टर बेस और एक वेक्टर बेस। वेक्टर जो है वो आप लोगों को पता है कि इलस्ट्रेटर की फाइल होती है और बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, उस हिसाब से उसके पिक्सल नहीं फटते। रास्टर बेस जो है वो पिक्सल बेस इमेज होती है, उसको जब जूम किया जाए तो वो फट जाती है। तो ये सर्विस बहुत ज़्यादा हॉट है फाइवर पे और बाकी तमाम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे। तो ये मैं जो सर्विस जब सर्च कर रहा था तो मुझे दो वेबसाइट्स मिली ऑनलाइन, एक जो है वो मैजिक वेक्टर के नाम से, लेकिन वो ऑनलाइन जब उसको कन्वर्ट तो फ्री में कर देती है, डाउनलोड करने के वो ऑप्शन पैसे मांगते हैं। मैंने फिर देखा उनका सॉफ्टवेयर भी है, वो मैंने डाउनलोड कर लिया और उसके बाद मैं एक तरीका आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अडोब इलस्ट्रेटर को इस्तेमाल करते हुए ये इमेज टू वेक्टर को किस तरह आसानी से ये इमेज ट्रेस कर सकते हैं। एक यहाँ पे क्रेडिट देना चाहूँगा मैं भाई फराज अहमद को, उन्होंने पहले ही मेरे से ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया हुआ है, फिर भी मैं उनका नाम ले देता हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी बता चुके हैं, ये ना हो कि बाद में कोई बंदा कहे कि आपने वहाँ से देखा। मैं उनको क्रेडिट दे देता हूँ, वो सॉफ्टवेयर ये इस्तेमाल कर चुके हैं क्योंकि मेरी अपनी रिसर्च थी, मुझे वही सॉफ्टवेयर अच्छा लगा और आसानी से डाउनलोड हो गया। सॉफ्टवेयर किधर से डाउनलोड होगा, मेरे फेसबुक पेज से आप लोगों को लिंक मिल जाएगा या आप गूगल में जाएंगे, सिंपल लिखेंगे मैजिक वेक्टर तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि फाइवर पे कितने कितने लोग पैसे कमा रहे हैं और आप लोगों ने ये काम कैसे करना है। तो मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ, यहाँ से अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास fiverr.com ओपन है और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इमेज ट्रेसिंग। यहाँ पे रिज़ल्ट देखें 1947, ये लोग देखें क्या क्या करके दे रहे हैं। हम किसी एक दो गिग को ओपन करके देख लेते हैं, ये देखें यहाँ पर इसके पिक्सल देखें और ये कितनी इमेज जो है वो क्लियर है। अब यहाँ पर पहले के पास आएँ तो 6 ऑर्डर देखें पेंडिंग में, 809 रुपये का ये एक ऑर्डर, इसका मतलब $5 का ये करके दे रहे हैं। ये देखें ये अब कितना आसान काम है, ये देखें स्पीडी फूड और यहाँ पे ये कितना क्लियर है। ये अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ ओरिजिनल और उसके बाद वेक्टर फाइल। उसके बाद दूसरे के पास आ जाएं, ये देखें सारे ये ही काम कर रहे हैं। अब मेन जो सबसे ज़्यादा आपको ऑर्डर आएँगे वो आएँगे यहाँ पर, ये देखें आई विल कन्वर्ट वेक्टर और इनके पास भी पड़े हुए हैं। यहाँ पर लिखें वेक्टर टू लोगो टू वेक्टर, ऐसे कर लें कुछ भी और यहाँ पे ये लोगो वेक्टर या नीचे लिखा हुआ था कन्वर्ट लोगो टू वेक्टर, कोई भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे ये तमाम फाइलें ये करके दे रहे हैं यही लोग, ठीक है। और यहाँ पे इसके पास भी 6 ऑर्डर पड़े हुए हैं 809 का और ये फाइलें AI EPS PDF SVG। ये तमाम चीज़ें आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग गूगल में आएंगे तो यहाँ पे ये देखें वेक्टर मैजिक सबसे पहली वेबसाइट है, इनके मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, आप लोगों ने भी इनका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फ्री में भी आप लोग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को करके दिखाता हूँ, पिक इमेज करता हूँ यहाँ से और ये मेरा लोगो है, ये मेरा लोगो ओरिजिनल था और उसके बाद यहाँ पे ये देखें रिजल्ट कितना क्लियर, ओरिजिनल इमेज के देखें पिक्सल जो हैं वो फटे हुए, इसको अगर मैं जूम करूँ तो इसके पिक्सल जो हैं वो नहीं फटेंगे। तो ये इसकी खूबी होती है। अब इसको डाउनलोड अगर आप करना चाहेंगे तो ये पैसे मांगेंगे, लेकिन मैंने इनका सॉफ्टवेयर भी एक देखा है, वो भी आप लोग गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप, उसके बाद प्राइसिंग में जा सकते हैं। अगर आप लोगों को गिग चल जाए तो ये कोई इतना महंगा नहीं है, $10 पर मंथ है, ठीक है।
तो इनका मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, अब उसको मैं इस्तेमाल करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से इनका सॉफ्टवेयर ये वाला ओपन करता हूँ। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से कोई भी फाइल इंपोर्ट कर लें, मैं वही अपना लोगो लेके आता हूँ, और उसके बाद ओपन कर लें। यहाँ पे ये पिक्सल देख लें, यहाँ पे ये फुल ऑटोमेटिक पे क्लिक करना है। आप सिंगल क्लिक पे क्लिक करेंगे तो ये कर देगा। तो ये देखें, एक क्लिक पे ही आपका जो है वो लोगो कन्वर्ट हो चुका है। अब सिंपली इसको आप लोग सेव कर सकते हैं, जितना जिस मर्जी आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, रिमूव बैकग्राउंड, न्यू उन्होंने ऐड किया है, तमाम चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे ये क्लिक करेंगे तो आप लोग ये फाइल कौन सी करनी है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन देगा। इसका स्ट्रोक क्या कर लगाना है, क्या चीज़ ऊपर, ये देखें AI है। यहाँ पे EPS कर सकते हैं, PDF कर सकते हैं, SVG कर सकते हैं। यहाँ पे ये बंदा भी यही करके दे रहा था, AI, EPS, PDF, SVG, ये तमाम लोग यही टूल यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा टूल है, सिर्फ एक क्लिक करने से आप लोगों को फाइल है। उसके बाद जब आप लोग कर लें तो उसके बाद इसको आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सेव एज पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे फाइल को सेव करना है, ये देखें AI की फाइल, और सिंपल सेव कर लें। तो ये 1 मिनट लगा, हमारा काम हो चुका है।